अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है, मतलब तूफान असली तबाही करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। यानी जितने भी एसआर के फैंस है अब रेडी है असली तबाही और असली धमाके के लिए। छोटा मोटा धमाका यानी सॉन्ग तो भाई आ चुका है, पहला वो दूसरा, लेकिन अभी चाहिए हमें असली तबाही जिससे कि पूरा इंटरनेट पूरा चीजें असली अच्छी तरीके से हिले और पता चले कि एसआर के का पावर किस तरीके से है। वो होने वाला है पठान का ट्रेलर। वो कब आएगा, किस डेट पे आएगा और जो अपडेट आ रहे हैं एंड जो डेट बताया जा रहा है वो सुन के भी आप लोगों को काफी मजा आएगा। अगर ऐसा होता है भाई साहब तबाही हो जाए। वो सभी चीजें जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला सॉन्ग आया, फिर सेकंड सॉन्ग आया, अब बारी है ट्रेलर की। अगर अपडेट की माने, जिस हिसाब से वाईएफ प्लानिंग कर रहे हैं, अगर वाईएफ की अपडेट की मान के चले तो पहला जो अनाउंसमेंट किया था ठीक उसके बाद कुछ दिनों का गैप था, उसके बाद फर्स्ट सॉन्ग रिलीज हुआ उसके मैक्सिमम कुछ दिनों का गैप था, उसके बाद रिलीज हुआ अभी सेकेंड सॉन्ग। अभी अगर वाईएफ की इसी स्ट्रेटेजी को पकड़ के चले तो बीच में जो दिन बचते हैं वो मैक्सिमम 12 और 10, तो पहला अनाउंसमेंट से फिर 12 दिन, फिर 12 दिन, फिर 10 दिन, तो इसी तरीके से कुछ जो है अनाउंसमेंट करते हुए नजर आए फिलहाल इस टाइम पे। तो अगर इसी स्ट्रेटेजी को फिर से अप्लाई किया जाए ट्रेलर के लिए तो आज से लेकर अगर 10 दिन भी मैं पकड़ लेता हूं तो वो डेट होता है 1st of January का, यानी 2023 का पहला दिन, यानी जनवरी का 1 तारीख वो डेट होता है जबकि पठान का ट्रेलर आप सब लोगों को देखने को मिलने वाला है। अगर ऐसा हो जाता है तो 2023 का क्या सॉलिड आगाज होगा, क्या तबाही होने वाला है भाई, वो सोच से भी बाहर है। मतलब जो हैप्पी न्यू ईयर होगा वो सच में हैप्पी वाला न्यू ईयर होने वाला है। आप लोग इसमें क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हो। अगर ये आता है भाई साहब तबाही हो जाएगा, लिटरली अलग लेवल माहौल। और जो एसआरके ने कहा था ना कि अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है, जनवरी से ही मौसम बिगड़ने वाला है, सीरियसली तबाही, टोटल तबाही। आप लोग क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते। और अगर अभी अपडेट की बात करें, अपडेट क्या कह रहे हैं, तो जनवरी का फर्स्ट वीक ये टारगेट कर रहा है भाई, उससे बाद में होगा नहीं क्योंकि उसके बाद प्रमोशन भी करने हैं। अगर ट्रेलर ही 15-20 तारीख को रिलीज करे तो 25 तारीख को मूवी आना है, किधर प्रमोशन करेंगे, तो फर्स्ट वीक मैक्सिमम पकड़ लो, उससे ज्यादा टाइम लेगा नहीं। तो अपडेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट वीक कहा जा रहा है और जिस हिसाब से वाईएफ ने प्लानिंग किया उस हिसाब से अगर पकड़ के चले तो 1st January ये आता है। तो आप लोगों को क्या कहना है, आप लोग क्या लगता है कि अपडेट के अकॉर्डिंग क्या 7-8 तारीख के बीच में आएगा या फिर 1st of January को आ सकता है, कौन सा डेट सबसे ज्यादा बेहतर होगा मुझे जरूर से बता सकते हो। मेरे लिए तो 1st of January सबसे बेटर होगा, उसके बाद भाई बहुत दिन बचते, आराम से प्रमोशन भी कर पाएंगे एक टावर तोड़ लेवल पे। साथ साथ 1st January का दिन भी बहुत सही है भाई, एकदम 1st January रिलीज करते हैप्पी न्यू ईयर भी हो जाता है, सबके लिए हैप्पी हैप्पी हो जाएगा भाई, अलग लेवल चीजें माहौल। आप लोग क्या करने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हो। फिलहाल अभी अपडेट आ रहा है और अगर 1st January होता है तो 31st of December को आपको अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगा धमाकेदार पोस्टर के साथ। तो आप लोग क्या करने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हो। सो अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, कुछ भी मेरे को और अपडेट मिलता है मैं जरूर से आपको अपडेट कर देने वाला हूं। फिलहाल अपडेट यही है, पठान का जो ट्रेलर है वो जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर आ रहा है अपडेट के अकॉर्डिंग, लेकिन ये वाईएफ के प्लानिंग के हिसाब से 1 तारीख को आ सकता है और 31 तारीख को आपको अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकता है। कुछ भी चेंजेस होता है मैं जरूर से आपको अपडेट कर देने वाला हूं। साथ के लेते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ले बाय।